अध्यक्ष महोदय, सरकार चाहती है कि अन्य के मामले में देश आत्मनिर्भर बने, तो मेरा सुझाव है कि जिन जगहों पर काफ़ी संख्या में ट्रैक्टर से काम लिया जा रहा है, आपको कोई कारखाना खोलना चाहिए और सस्ती कीमत पर उनकी मरम्मत की व्यवस्था करनी चाहिए। आप बाहर से ट्रैक्टर मंगा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि यह सारा रुपया व्यर्थ व्यय किया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि इस देश में ही ट्रैक्टर बनाया जाए, बाहर से खेती के सामान जो आ रहे हैं कारखाने से होकर ही आ रहे हैं, इनको जहां भेजना हो वहां सीधा भेजा जा सकता है। किंतु हो यह रहा है कि पंजाब सरकार द्वारा इनको सारे देश में वितरित किया जाता है, क्योंकि इनको पहले पंजाब भेजा जाता है और फिर सारे देश में भेजा जाता है, इसलिए खर्चा ज़्यादा लगता है। खर्चा कम करने के लिए, लागत कीमत कम करने के लिए यह आवश्यक है कि इनको सीधे भेजा जाए। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई औचित्य की बात नहीं है, इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। आपको किसानों की सहायता करनी चाहिए, उनकी हिम्मत आप न तोड़े। हमें चाहिए कि उनको हम सस्ते दामों पर खाद दे, बिजली दे, बीज दे और पानी भी दे, लेकिन ऐसा न करके हम देख रहे हैं कि हर चीज़ के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। नलकूप पर आप कर लगा रहे हैं, उनको बिजली नहीं मिल रही है, इस ओर आपका ध्यान जाना चाहिए। वास्तव में आप कृषि की उन्नति चाहते हैं तो सिंचाई और बिजली का काफ़ी इंतजाम होना चाहिए। जब तक सिंचाई और बिजली का इंतजाम नहीं होगा, तब तक खेती की उन्नति नहीं हो सकती। अब तक सिंचाई और बिजली तो एक मंत्री के हाथ में है, लेकिन कृषि दूसरे मंत्री के हाथ में है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंचाई, बिजली और कृषि अगर किसी एक मंत्री के हाथ में हो तो खेती की उन्नति का काम सरलता से हो सकता है। मेरा निवेदन है कि इस ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिए। समाजवादी समाज की रचना की बात बहुत कही जा रही है, गरीबी को दूर करके हम सबको बराबर लाना चाहते हैं, लेकिन देश में गरीबी आज भी बढ़ती जा रही है। मैं यह नहीं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में सरकार ने कुछ नहीं किया है।